जब से हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ है तब से ये कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है। आपको बता दें, चार लोगों की इसमें मौत वाकया हुई। बिल्डिंग ओनर अल्ताफ अहमद भट्ट, जो उनके टीनेंट थे, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, और दो, जिस तरह से बताया गया था, एक फॉरेन मिलिटेंट बिलाल भाई या फिर उर्फ हैदर की को इसमें मारा गया था, उनका एसोसिएट बताए गए बनिहाल से आमिर अहमद। पर दो बॉडीज वापस दी गई हैं, जिस तरह से बहुत सारा बवाल इसपे मचा था, बहुत बार उनकी फैमिलीज ने मांग की थी कि बॉडीज को वापस दिया जाए। फिर अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडीज उनके जो घर वाले हैं उनको दे दी गई थी। मैं बता दूं, इस लाइव में मेरे साथ अल्ताफ अहमद भट्ट के बड़े भाई अब्दुल माजिद भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं वर्सुला से। अब्दुल माजिद भट्ट, बताइएगा, क्योंकि इसके इस एनकाउंटर के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का जो ऑर्डर आया है, क्या कितनी उम्मीदें आपको हैं इस हवाले से कि आपको इस इंक्वायरी के बाद इंसाफ मिलेगा? जी, मुझे गवर्नर साहब पर पूरा भरोसा है कि एक बहुत अच्छे इंसान, उसने कहा है कि मैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करूंगा, जो भी कल्प्रिट होगा उसको वाकई सजा देंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ घर में बैठा हूं कि गवर्नर साहब मेरी रिक्वेस्ट सुनेंगे और मुझे इंसाफ देंगे। जी, और जी बिल्कुल, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से, जिस तरह से आपने सुना कि जो लवाकीन है उनका पूरी उम्मीदें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से जुड़ी हुई हैं। हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी की भी मांग इस हवाले से उठी जब इसके बाद ये पूरा इंसिडेंट हुआ, और साथ ही कोशिश करेंगे हम जो बाकी लवाकीन हैं उनको भी थोड़ी देर में लाइव जोड़े। फिलहाल अल्ताफ अहमद भट्ट के जो बड़े भाई हैं अब्दुल माजिद भट्ट, वो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जिनका कहना है कि बहुत सारी उम्मीदें जो हैं उनकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद जिस तरह से पहले इनिशियली एनकाउंटर के बाद कहा गया था कि ये चारों मिलिटेंट्स हैं, पर उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने ये माना कि जो दो लोग हैं अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल, इनकी मदद इसमें ली गई थी जिस तरह से डोर को नॉक करने के लिए, और इस पूरे ऑपरेशन में जो है उनकी मदद ली गई थी। पर जब बॉडीज वापस भी दी गई उसके बाद भी अभी तक ये पूरी तरह से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो सिविलियंस थे, और इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बॉडीज तो आपको वापस मिल गई हैं, बहुत जद्दोजहद आपकी पूरी फैमिली ने की कि बॉडी वापस मिले और लास्ट राइट्स आप कर सके, तो क्या कहेंगे अब इसके बाद, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि वो दोनों सिविलियंस। जी अब्दुल माजिद, आपको आवाज आ रही जी, है? नहीं, आप फिर रिपीट कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल अब्दुल माजिद भट्ट, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बहुत जद्दोजहद के बाद आपको बॉडी तो वापस मिल गई अल्ताफ अहमद की, पर उसके बाद जिस तरह से पहले बताया गया था कि ये चारों के चारों के चारों हैं, इनका मिलिटेंसी से ताल्लुक था, और उसके बाद बॉडी जब वापस दी गई उसके बाद भी ये नहीं ऑफिशियली कहा गया है कि वो सिविलियंस थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो अब्दुल जी जी जी, जब हम दूसरे दिन आईजी साहब से मिलने गए तो आईजी साहब ने कहा कि मुझे रिग्रेट है कि अल्ताफ साहब बेकसूर मारा गया है जी। तो उसने यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है कि अल्ताफ साहब माल के मकान था, वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया, इनोसेंट सिविल किलिंग हो गई अल्ताफ साहब की, यह ऑन रिकॉर्ड है मैम। बिल्कुल, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि वो इनोसेंट थे, तो अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नेक्स्ट आपकी क्या डिमांड रहेगी? वो हम आपस में मिल बैठ के घर में मशवरा करेंगे, फर्दर हमारा सेटअप क्या होगा। फिलहाल तो हम एलजी साहब से उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी रिक्वेस्ट और हमारी सुनेंगे, हमारी रिक्वेस्ट सुनेंगे।
कि उन्होंने कहा है कि मैं मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करूंगा, जो भी कल्प्रिट होगा उसको करार वा की सजा दूंगा। हम उसी उम्मीद पर इस वक्त बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफी वक्त हो चला है जब हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ, उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का जो ऑर्डर आया, उसके बाद आपको कोई अपडेट मिला है, कुछ आपको बताया गया है, आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया या सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, उस हवाले से अगर कोई जानकारी मिली है तो आपको बताया गया है इस इंक्वायरी के हवाले से, कुछ ना कुछ अपडेट आपको आया है, क्योंकि अभी बहुत वक्त हो चला है? जी, मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे बुलाया था स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं गया था मजिस्ट्रेट साहब के पास, मैंने लिख के उधर दिया अपना स्टेटमेंट, वो उसके प्रूफ में मौजूद है मैम, बाकी मुझे हमें कुछ पता नहीं है मैम। तो जाते जाते आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे आपको पूरा विश्वास है कि वो आपके साथ करेंगे, उनके लिए आपका 100% मैसेज? 100% मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब मुझे इंसाफ देंगे, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, सिर्फ जस्टिस चाहिए, इनोसेंट किलिंग का जस्टिस चाहिए हमें। जी बिल्कुल, शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्ट हमें ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से बरजुला से अब्दुल माजिद भट्ट जो बिल्डिंग ओनर अल्ताफ अहमद भट्ट की इस एनकाउंटर में मौत वाकया हुई थी, उनके बड़े भाई हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिनका कहना था काफी वक्त हो चला है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का जब से ऑर्डर सामने आया है, पर अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हमें उम्मीद है कि उनसे जो जस्टिस है वो जल्द से जल्द जरूर मिलेगा। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, देखते रहिए।